हे गाइस वेलकम टू कंज्यूमर जिला। सो दोस्तों आप देख सकते हो जो मेरा वीवो X80 प्रो है वो अभी पूरा कम्प्लीटली डेड है और इस वीडियो में हम लोग इसका जो फास्ट चार्ज है वो हम लोग चेक करने वाले प्रैक्टिकली कि ये कितने टाइम में जो फ़ोन है वो 0 से 100% चार्ज करता है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे बैटरी 2 लो बता रहे हैं, मतलब ये पूरा का पूरा ड्रेन हो चुका है। तो आप ये देख सकते हो ये है उसका चार्जर जो है 80 वॉट का, यहाँ पे देख सकते हो फ्लैश चार्ज है वीवो का ये चार्जर। तो इसके थ्रू हम लोग इसको चार्ज करने वाले हैं और देखने वाले हैं। साइड में मैंने वॉच भी रखा है टाइम सेट करके आपको दिखाने के लिए कि कितने टाइम में चार्ज होता है। चलिए दोस्तों अभी हम लोग जो टाइमर है वो शुरू कर लेते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका चार्जिंग और चेक करते हैं कि चार्जिंग इसको कितना टाइम एक्चुअल में लगता है। तो देख सकते हो आप मैंने चालू कर लिया है, चार्जिंग स्टार्ट हुआ है, बट अभी फिलहाल फ़ोन जो है वो कम्प्लीटली शटडाउन मोड में ही है, फिलहाल मैंने रखा हुआ है। इसको हम लोग थोड़ा स्टार्ट होने के लिए देखेंगे, मतलब 1-2% चार्ज होने के बाद फिर से मैं फ़ोन को ऑन करूँगा और फिर हम लोग ये कम्प्लीटली देखने वाले प्रोसेस कि कितना टाइम लगता है। फिलहाल तो आप देख सकते हो ये अभी भी चार्जिंग लगा हुआ है, लेकिन अभी भी फिलहाल ये पूरा ड्रेन है, तो अभी इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा स्टार्ट होने में। तो चलिए अभी हम लोग चेक करते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1 मिनट अभी हो चुका है, फिर भी अभी भी बैटरी जो है वो मतलब 1% पे नहीं आई है। तो डिपेंड करता है, अलग अलग टाइम पे वो वेरी कर सकता है, बट अभी फ़िलहाल मेरे केस में जो मोबाइल है कम्प्लीटली ड्रेन हो चुका था, मतलब उसके अंदर कुछ भी बैटरी बाकी नहीं है, इसलिए वो थोड़ा टाइम ले सकता है। देखिए आप देख सकते हो 1 मिनट और कुछ 30 सेकेंड्स हुए अभी आसपास, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो थोड़ा हम लोग वेट करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे अभी इसको हम लोग फिर से चेक करेंगे कितना टाइम हुआ। आप देख सकते हो 2 मिनट हो गए ऑलमोस्ट और अभी हम लोग को फिर भी यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। अभी आप देख सकते हो फिर भी यहाँ पे बैटरी जो है वो बेसिकली पूरी के पूरी डेड ही बता रही है, अभी तक उसके अंदर 1% भी नहीं दिख रहा है। लेकिन देखिए अभी आप देख सकते हो यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट 3 मिनट होने को आए हैं और यहाँ पे अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमें जो चार्ज है वो देखने के लिए मिल रहा है, दिस दैट इज़ अभी 2%। तो मतलब डायरेक्टली बेसिकली इसने 1% स्टार्ट ना होकर डायरेक्टली 2% दिखा दिया है। तो थोड़ा सा इसने स्टार्टिंग में समय लिया है, बट ये वेरी कर सकता है, नॉट नेसेसरी कि सेम ही रहेगा हर मोबाइल के लिए। तो अभी इसके आगे हम लोग चेक करने वाले हैं कि इसको अभी 100% जाने के लिए इसको ये कितना टाइम लेता है, ये 50 मिनट्स में चार्ज होता है या फिर उससे ज़्यादा लग सकता है, तो ये हम लोग अभी इस वीडियो में चेक करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए अभी देख सकते हो ये तुरंत जो इसका बैटरी परसेंटेज है वो बढ़ने चालू हो गया है, देख सकते हो अभी 4% हो गया है। चलिए अभी मैं फ़ोन को चालू करता हूँ और फ़ोन को चालू करके फिर हम साइड बाय साइड इसका जो टाइमर भी चालू रखेंगे और फिर हम देखेंगे कि ओवरऑल विद द फ़ोन ऑन ओके, बिकॉज बैटरी मतलब बेसिकली जो है फ़ोन ऑफ होगा तो बैटरी आपकी जल्दी चार्ज होती है, बट मैं इस सिनेरियो में फ़ोन चालू करके इसको चार्ज करने की कोशिश करने वाला हूँ और चेक करने वाला हूँ कि इसको कितना समय लगने वाला है। तो चलिए अभी फ़ोन चार्ज हो रहा है और चालू भी हो रहा है साइड बाय साइड। तो ये देख सकते हो अभी फ़ोन जो है वो कम्प्लीटली स्टार्ट हो चुका है एंड ये आप देख सकते हो अभी 5% बैटरी हो गई है। तो बस 10% के लिए इसने ऑलमोस्ट 6 मिनट लिए हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी 12% हुआ है इन 7 मिनट्स अराउंड। तो मतलब इसकी जो फास्ट चार्ज है, जो फ्लैश चार्ज बेसिकली जो बोलते हैं, वो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क होता है और इसको आपको धीरे धीरे आगे पता ही चलेगा कि ये ओवरऑल कितना टाइम लेता है। देखिए 20% है वो 10 मिनट में 20% का इसने हमें जो चार्जिंग स्पीड है वो दिखा दिया है। तो अगर आप कहीं पे जाना चाहते हो, जल्दी में हो, तो आप इसको अगर पूरा अगर आपका फ़ोन डेड भी होगा तो भी 10 मिनट आप चार्ज करोगे तो ये 20% का आपको बैटरी तुरंत चार्ज करके दे सकता है, विच इज़ मोर देन सफिशियंट इमरजेंसी में अगर आपको चाहिए होगा। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड यू नो बैटरी चार्जिंग स्पीड, आई कैन डेफिनेटली से। और 20 मिनट्स में ये ऑलमोस्ट 45% तक चार्ज हो चुका है, तो देख सकते हो अभी 48% हुआ है एट द टाइम ऑफ 20%। तो देखते हैं अभी 50% में कितना टाइम लगा था एग्जैक्टली। तो यहाँ पे देख सकते हो 50% हुआ है एट
21 मिनट्स में आपको ये 50% चार्ज करके दे सकते हैं गाइस। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड चार्जिंग स्पीड। अगर 20 मिनट अगर आप कुछ काम में हो और अगर आप चार्जिंग के लिए लगा देते हो फ़ोन, तो डेफिनेटली आपको 50% आपका फ़ोन जो है वो चार्ज होके मिल जाएगा। तो दिस इज़ अ रियली फैंटास्टिक यू नो चार्जिंग स्पीड ऑफ दिस फोन। तो आप देख सकते हो अभी ये 70% दिखा रहा है हमें 30 मिनट्स में। तो अभी आप देखने वाले हैं 75 के बाद अभी ये अब ऑलमोस्ट 80% हुआ है। सो गाइस ये अभी 80% हुआ है, 34 मिनट्स में हमें 80% मिला है। तो गाइस ये देख सकते हो अभी मैंने नॉन स्टॉप इसको चार्ज कर रहा हूँ, जहाँ पे 34 मिनट्स में मुझे 80% का बैटरी चार्ज होके मिल गया है। सो गाइस आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड चार्जिंग रेट। अभी हुए हैं 43 मिनट्स एंड लेट्स सी दिस इज़ ऑलमोस्ट यू नो इट्स अभी अराउंड 90% अभी चार्ज होने वाला है। तो इसको उसने लिया है ऑलमोस्ट 43 मिनट्स गाइस। तो आई थिंक ये जो है वो अच्छा चार्जिंग स्पीड मुझे लग रहा है। आप देख सकते हो मतलब 40 मिनट्स के अंदर ही ऑलमोस्ट आपको 90% चार्जिंग मिल जाएगी। तो लेट्स सी 90% में कितना समय लेता है एग्जैक्टली। और ये देख सकते हो एनिमेशन भी काफ़ी अच्छा है इसका चार्जिंग का जो दिखाया हुआ है यहाँ पे। तो ओवरऑल बैटरी बैकअप के हिसाब से भी अच्छा है ये फ़ोन, ऑलमोस्ट एक दिन से ज़्यादा आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो। अगर आप कंटिन्यूसली आप अगर फोटोज़ निकाल रहे हो या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करो या फिर आप गेम खेल रहे हो तो इसमें थोड़ा कम हो सकता है बैटरी बैकअप। देखिए आप 90% में यहाँ पे अभी 43 मिनट्स में हो चुकी है 90% गाइस। तो अगर आपको 90% इनफ है, अगर 100% नहीं करना है तो ऑलमोस्ट आप समझ लो ये आपको 40 मिनट में या 40-45 मिनट में आपको 90% दे सकता है ये फ़ोन। तो दिस इज़ अ रियली अ गुड जॉब। अभी हो चुके हैं ये देखिए 50 मिनट्स अभी होने के लिए आए हैं और 50 मिनट्स में हमें चेक करना है 100% चार्ज होता है या नहीं। तो गाइस देख सकते हो ये 50 मिनट्स में आपको 97% चार्ज करके दे सकता है। और आपको पता ही होगा दोस्तों जैसे 95% चार्ज हो जाएगा उसके बाद जो लास्ट के जो ऑलमोस्ट 5-6% होते हैं उसमें काफ़ी समय लगता है 100% जाने के लिए। तो मुझे लगता है यहाँ पे आप देख सकते हो 50 मिनट में आपको ऑलमोस्ट ये 100 के करीब दे सकता है आई थिंक। बट अगर कम भी रहेगा थोड़ा बहुत 1-2% तो भी चल जाएगा। तो आई थिंक लाइक ये 50% में ऑलमोस्ट हम लोग समझ सकते हैं कि ये आपको 90 के ऊपर ही देने वाला है, 95% तक देने वाला है, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 99% मेरा फोन अभी चार्ज हुआ है और उसका जो टाइमर आप देख सकते हो 53 मिनट्स में 99% मुझे चार्जिंग मिली है। तो गाइज़ ये 1-2 मिनट का फ़र्क हो सकता है आपके सिनेरियो में, बिकॉज ये डिपेंड करता है अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से या फिर रूम के अंदर टेम्परेचर क्या है या फिर मैंने अभी कवर लगा के मैं चार्ज कर रहा हूँ तो फ़ोन थोड़ा गर्म भी हुआ रहेगा या फिर हुआ है बेसिकली थोड़ा बहुत, तो उसके वजह से ये टेम्परेचर के हिसाब से डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हो 53 मिनट्स हो चुके हैं, 54 मिनट्स हुए हैं और ये 99% पे अभी फिलहाल अटका है। 1% होने के लिए इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो गाइज मुझे लगता है जैसे मुझे जो कैलकुलेट करना था ये जो फ़ोन है 50 मिनट में आपको 100% चार्ज या फिर फुल चार्ज जो बोलते हैं वो करवा के दे सकता है। 1-2% के लिए हमें इतना देखने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट बोलते हैं ना एनवायरनमेंट के हिसाब से वेरी करेगा। पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 54% हुए हैं और 54 मिनट्स हुए हैं और यहाँ पे 99% आप देख सकते हो चार्जिंग मेरी चालू है 100% के लिए। हम लोग अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं, लेट्स सी ये अभी कितने मिनट में हमें 100% करके देने वाला है। सो लेट्स सी जल्दी हो जा, 55 मिनट में हो जाएगा, लेट्स सी 55 मिनट होने वाले हैं बट स्टिल ये 99 पे अटका है और ये हो चुके हैं। तो गाइस 55 मिनट्स अभी ऑलमोस्ट क्रॉस हो चुके हैं और ये 99% पे है, लेट्स सी ये कितना टाइम लेने वाला है। मुझे लगता है ये अभी हो जाना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया। तो जो लास्ट का 1% है गाइस उसके अंदर जनरली मैंने देखा है टाइम लगता ही है, कोई भी फ़ोन हो उसमें आपको थोड़ा बहुत टाइम लगे एज़ कम्पेयर टू जो आप स्टार्ट करते हो। तो यहाँ पे अभी 55 मिनट्स और 25 सेकंड हुए हैं फिर भी ये 99% पे ही है। तो लास्ट का जो 1% है उसके लिए काफ़ी हमें ये वेट करना, ये देखिए हो गया। सो अभी आप देख सकते हो गाइस 100% के लिए मुझे फ़ोन ये चार्ज करना पड़ा 55 मिनट्स एंड 35 सेकेंड। तो गाइस
आई कैन डेफिनेटली से कि ये जो फ़ोन है इसका फ्लैश चार्ज काफ़ी अच्छा है, और अब अगर आप लेने के बारे में सोच रहे हो तो ऑब्वियसली ये फ़ोन ले सकते हो। मेरा दूसरा जो वीडियो है इसके बारे में मैंने फुल रिव्यू किया है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे मैंने पूरा डिटेल बताया हुआ है, बैटरी बैकअप के बारे में बताया है, कैमरे के डिटेल्स के बारे में बताया है। तो दिस इज़ अ वेरी नाइस फ़ोन विद अ गुड यू नो बैटरी बैकअप, विद अ वेरी फास्ट यू कैन से बैटरी चार्जिंग एंड अ वेरी गुड कैमरा मॉड्यूल इन इट। ऑल्सो इट हैज़ अ वेरी यू नो हाई एंड एडजेंट प्रोसेसर, तो जो उसका ओवरऑल हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है और ओवरऑल जो फीचर्स है इसके अंदर, वो मुझे सभी कमाल के लगे गाइज। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग कंज्यूमर ज़िला। टेक केयर, बाय बाय।